पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबरें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान में देवस्थान विभाग ने भले ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाने और सुबह शाम की आरती के बाद मंदिरों के कपाट बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हों, लेकिन श्रीगंगानगर में मंदिर प्रबंध समितियों की ओर से इन आदेशों की पालना की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में शुक्रवार को भी अधिकतर मंदिर आम दिनों की तरह खुले रहे और श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। इतना अवश्य है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति आमजन में जागरूकता के चलते मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम जरूर हुई है। आज सुबह बालाजी धाम मंदिर, दुर्गा मंदिर और एल ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर सामान्य दिनों की तरह खुले मिले। कोरोना वायरस के दृष्टिगत भारत सरकार और राज्य सरकार के एडवाइजरी एवं दिशा निर्देशों की पालना में आज से रामदेवरा रुनीचार धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। श्रीगंगानगर में श्री दूध सप्लाई मजदूर संघ के अध्यक्ष सुभाष स्वामी ने शहर वासियों को कहा है कि कोरोना महामारी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। शहर के प्रत्येक नागरिक के घर इस संकट की घड़ी में दूध सप्लाई सुचारू रखी जाएगी। श्रीगंगानगर में पासपोर्ट कार्यालय में कोरोना वायरस फैलने की आशंका के चलते पासपोर्ट आवेदन करने पर एम्प्लॉयमेंट की समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पासपोर्ट आवेदन जमा करवाने के लिए 3 अपॉइंटमेंट की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। साल 2020 में पासपोर्ट आवेदक अपना आवेदन जमा करवाने के लिए और होल्ड आवेदन को प्रोसेस करवाने के लिए अनेक बार अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने इस वित्तीय वर्ष में अपने द्वारा किए जाने वाले सभी वार्षिक निरीक्षण स्थगित कर दिए हैं। कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के बीच उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर जिला कलेक्टर ने निरीक्षण स्थगित किए हैं। जिला कलेक्टर पिछले दिनों कलेक्ट्रेट की शाखाओं का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अन्य कई विभागों का निरीक्षण 31 मार्च तक किया जाना था, लेकिन वो सभी निरीक्षण स्थगित कर दिए गए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मंगलवार रात को घर लौट रहे राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर से लूट की वारदात का पुलिस ने 2 दिन बाद ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है, जबकि इनके चौथे साथी की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि रोडवेज कंडक्टर रतन सिंह से लूट करने के आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल ने 17 मार्च की रात को अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की थी। आरोपियों ने रात में रतन सिंह से 31,485 रुपए सहित अन्य सामान लूटने के बाद राहुल अपने साथियों के साथ आज सुबह रेलवे स्टेशन आया और यहां से सभी इंटरसिटी में बैठकर हरिद्वार चले गए। श्रीगंगानगर में पुराने अवध स्थित एक पार्लर संचालिका के साथ गुरुवार रात डंडों से मारपीट कर उसके गले से रकम निकालने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने संचालिका की रिपोर्ट पर मारपीट के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने परिवादिया की मंदबुद्धि बच्ची से भी धक्का मुक्की की। पुलिस के अनुसार मनोज कुमार स्वामी ने रिपोर्ट में बताया कि कल शाम को वो अपने पार्लर पर थी। शाम 7 बजे आरोपी टीटू गर्ग अपनी पत्नी कीर्ति और माँ के साथ नैनो कार में बैठकर आया और उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। आरोपियों ने हंगामा करते हुए पार्लर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। टीटू गर्ग ने डंडों के साथ उससे मारपीट की। मारपीट के बाद आरोपी महिला के गले में पहने सोने की चेन छीन कर ले गए और गले से पार्लर बिक्री के 4800 से 5000 रुपए निकाल कर ले गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने आज हनुमानगढ़ न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर आकर लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि अति आवश्यक होने पर ही न्यायालय में आए। गुप्ता के साथ लोक अदालत के जज विष्णु शर्मा, एडीजे सत्यपाल वर्मा, सीजीएम आशा चौधरी, एसीजीएम रमेश कुमार उपस्थित रहे। गुप्ता ने कहा कि कोर्ट में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रखी जाए। श्रीगंगानगर जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने आज अपने कार्यालय में बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सोनी ने केमिस्ट एसोसिएशन के मदन अरोड़ा और किशन लाल को कहा कि मेडिकल स्टोर पर मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी नहीं की जाएगी। विभाग का उद्देश्य केमिस्ट को परेशान करना नहीं है। मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्ध सीमित दामों पर उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 49 और 50 के मध्य वाली मुख्य सड़क के दोनों ओर के मेन नाले से जल निकासी के लिए नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाए गए। ये कार्यवाही आयुक्त प्रियंका बुड़ानिया, एचओ गौतम लाल और कांग्रेस नेता अशोक चांडक की मौजूदगी में चली। इस दौरान दोनों वार्डों के पार्षद भी उपस्थित रहे। आयुक्त प्रियंका बुड़ानिया ने बताया कि जवाहरनगर क्षेत्र के अनेक वार्डों की जल निकासी इसी नाले से होती है। इस मुख्य नाले पर करीब 50 मकानों और 20 दुकानों के आगे लोगों ने पक्के थड़े बना रखे थे। इस कारण नालों की पूरी तरह से सफाई नहीं हो पा रही। सफाई और जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए आज थड़े तोड़े जा रहे हैं। श्रीगंगानगर संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से कोरोना को लेकर शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत व्यापारियों ने आमजन को
संक्रमण के प्रति जागरूक किया। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारी एकजुट हुए। उन्होंने लोगों और सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि मास्क का उपयोग करें, साथ ही दुकानों पर हैंड वॉश की व्यवस्था रखें ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न हो। श्रीगंगानगर में विनोबा बस्ती में पार सिनेमा के सामने शुक्रवार सुबह दर्जन भर गोदों में घमासान हो गया। इस घमासान की चपेट में आने से आधा दर्जन कारें क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर बड़ी मुश्किल से गोदों को वहां से खदेड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पार सिनेमा के बंद रहने वाले गेट के सामने वाली गली में पिछले कुछ दिनों से निराश्रित पशुओं ने जमावड़ा लगा रखा है। आज सुबह इन निराश्रित गोदों ने लड़ना शुरू कर दिया। अब बैंकों को अपने प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश में स्थित सभी बैंकों के प्रबंधकों को अपने बैंक की प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराने और 24 घंटे गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हाथों का एटीएम को प्रयोग में लेने से पूर्व एवं प्रयोग लेने के पश्चात गार्ड द्वारा सैनिटाइजेशन करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ बाईपास पर गुरुवार शाम को मारपीट के दौरान बीच बचाव एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। मारपीट करने वाले उससे ही उलझ गए और हाथापाई के बाद सोने की चेन छीनकर भाग गए। परिवादी ने रिपोर्ट देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर पुलिस ने बताया कि साथ ही छोटी के आत्माराम ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम को वे सूरतगढ़ बाईपास पर सब्जी लेने गए थे। उस समय वहां एक बुलेरो आकर बुलेरो के पीछे पीछे बाइकों पर कुछ लोग सवार थे। कहा सुनने के बाद इन लोगों ने आपस में मारपीट करनी शुरू कर दी। परिवादी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी उससे ही उलझ गए। कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य स्तर से की जा रही गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए जिला प्रभारी आज से श्रीगंगानगर समेत सभी संबंधित जिलों में आएंगे। जिलों के लिए नियुक्त ये प्रभारी अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन से जारी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। जयपुर में स्वास्थ्य भवन में हुई समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए रक्षा विभाग के संयुक्त सचिव राजीव ठाकुर ने जिलों में जाने वाले जिला प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में जाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करें। घोड़साना कस्बे में पानी के डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को डिग्गी से बाहर निकलवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार शिवलाल ने रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा कैलाश चंद्र वाटर वर्क्स के डिग्गी में डूब गया था। सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। शिवलाल ने बताया कि पारिवारिक तनाव के चलते कैलाश चंद पानी की डिग्गी में कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई। घरसाना कस्बे में बाइक फिसलने से घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। 4 दिन पहले युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि तेजाराम की रिपोर्ट के अनुसार उसका भतीजा नंदराम घर लौट रहा था। 15 मार्च की शाम 6 बजे 5H की रोही के पास उसकी बाइक फिसल गई। इससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और यहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में मारपीट के बाद 3 लाख रुपए छीनने की घटना हुई। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अनिल कुमार की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी दिनेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोका। मारपीट के बाद उससे 3 लाख रुपए छीन कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के कारण श्रीगंगानगर फिरोजपुर रेलगाड़ी के रद्द होने के समाचार को गलत बताया गया है। जेडीयू आरसीसी के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर से फिरोजपुर के बीच चलने वाली रेल संख्या 14525 नियमित चल रही है। आज भी ये गाड़ी अपने निर्धारित समय पर आई और गई। इस बीच रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिला जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला गाड़ी को 31 मार्च तक रद्द किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मस्जिदों में भी जुमे की नमाज को समझाइश करके रोका जाए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जाए। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।